अपने बीच मैं एक बहुत ही महान विभूति, एक बहुत ही बड़े भक्त को यहाँ बुलाना चाहूँगा। उनका इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से है, वो इंडिया के नहीं हैं, उनका जन्म यूक्रेन में हुआ था और यूक्रेन में जन्म होने के बाद हमारे प्रभु जी पहले यूक्रेन के कमांडो थे, सोल्जर थे, सैनिक थे, क्षत्रिय थे। अब कमांडो होने के बावजूद उनकी लाइफ में भगवत गीता से स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आया, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आया। कैसे आया इसकी कहानी प्रभु जी आपको खुद बताएंगे। प्रभु जी अभी करंटली नेपाल में प्रीचिंग करते हैं। नेपाल के काठमांडू में प्रभु जी ने हरे कृष्ण धाम से एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल कम्युनिटी बनाई, जिसमें एक बहुत ही बड़ा मंदिर, इस्कॉन की पाठशाला, गुरुकुल और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। प्रभु जी ने नेपाल में इतना प्रचार किया, इतना सामाजिक कल्याण किया कि नेपाल की गवर्नमेंट ने ये देखा कि सबसे ज़्यादा अच्छे चरित्र का व्यक्ति, सबसे ज़्यादा अच्छे चरित्र की पर्सनैलिटी तो ये भगवान कृष्ण का भक्त है जो हमारे पूरे देश का उद्धार कर सकता है। तो नेपाल की गवर्नमेंट ने प्रभु जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, जिसका नाम है सुप्रबल जन सेवा श्री। हरि बोल। ये ही नहीं, नेपाल की गवर्नमेंट ही नहीं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव है यूआरआई, यूनाइटेड रिलीजियंस इनिशिएटिव, प्रभु जी उसके ऑनरी मेंबर भी हैं। केवल यूक्रेनियन ही नहीं, इंग्लिश ही नहीं, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, बंगला, कई सारी भाषाएं प्रभु जी को आती हैं। प्रभु जी के ऊपर नेटफ्लिक्स ने भी मूवी बनाई। तो ऐसे हरी बोल, बड़ा ही सुंदर प्रवचन प्रभु जी देते हैं। तो अब हमारे बीच में हम स्वागत करेंगे नन अदर देन इस्कॉन रीजनल सेक्रेटरी फ्रॉम नेपाल, हिज ग्रेस पात्री प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप भोजन नहीं खाए क्या आज लगता है? हरे कृष्णा। 90% पीछे पीछे नहीं बोलते हैं, इतना आवाज देना चाहिए जो पूरा इंद्रलोक भी हिल जाएगा। आप सब लोग दो हाथ ऊपर कीजिए, सब लोग एकदम पीछे पीछे और जोर से बोलिए। हम लोग हमेशा उदाहरण देते हैं, जब महिला कोई हाउस वाइफ घर में भोजन बनाते हैं श्रीमान के लिए, श्रीमान बोलते हैं मैं आ रहा हूँ अभी 10 मिनट के लिए, प्रिया मेरे को भोजन फटाफट बनाना है, मेरा समय नहीं है, तब वो अपना बच्चों को घर में छोड़ देते हैं कमरा में और खुद पकाना शुरू करते हैं ना। लेकिन जब पकाते हैं, बच्चा लोग कहते हैं मम्मी 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 खेल करना, गोद में बैठना, जा 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 बाबू जा जा जा, समय नहीं है, भगा देते हैं उसको। तब बच्चा क्या करते हैं, नतक करते हैं, मैं करते ना,
ये केवल यूक्रेन में करते हैं, भारत में भी करते हैं, करते हैं नाटक। तो मम्मी को तुरंत पता चलता है भाई बदमाश नाटक करते हैं, वो रोते नहीं, नकल करते हैं, आएगा नहीं वो। लेकिन जब बच्चा वास्तव में गिर पड़ा, बूम, तुरंत तब मामी को आवाज़ से पता चलता है वास्तव में रो रहा है, तुरंत आ जाएगा सब कुछ छोड़ के, हाँ क्या करेगा, तब अमृत पिलाएगा उसको। उसी प्रकार जो है, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु ससका तुमेव विद्यम द्रविड़म तुमेव सर्व मम देव देव। भगवान हमारा तिशंब्र मामा हद्युनिर हम बीज प्रदक पिता, हमारा पिताजी हमारा मम्मी है राधारानी, और हम लोग राधारानी का राज्य में जो है वृंदावनेश्वरी गोवर्धन में भारत देश है, परम धाम स्थान है। अरे नएगा भगवान नहीं आएगा कभी, कैसे रोना चाहिए, हाथ ऊपर करके एकदम बिल्कुल रोना चाहिए, हाँ कृष्णा। फिर भी नन्यानबे दो आदमी नहीं बोला, मैं देख रहा हूँ। बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं, तो थोड़ा थोड़ा भाई, थोड़ा थोड़ा, ये बस चुनाव है, भगवान का पार्टी का चुनाव है, दो हाथ ऊपर करिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की, श्रीमती राधा रानी की, वृंदावन धाम की, विप्लव महोत्सव की, शिल प्रभुपाल पतित पावन की। आप चालू हो गया, और क्या, जो कल करे तो आज, जो आज करे तो अब, पाल में प्रलाया होगी बहुरी करोगे कब। सब लोग जो है थोड़ा सा ये जागरण, आज वास्तव में जो कार्यक्रम होता है, मैं बोलता हूँ अभी मैं अमेरिका से आया, किस किस के लिए, किस चीज़ के लिए आया, इंग्लिश में मैं कभी कभी बोलता हूँ, इट वॉज द टाइम वेन आई वॉज ट्रेवलिंग समवेयर, दिस इज द टाइम वेन आई एम ट्रेवलिंग टू समबडी, आई केम नॉट समवेयर, आई केम टू समबडी। सुंदर गोपाल प्रभु, हाँ, और सारे भक्त लोग हमारा गान, और वृंदावन धाम साधु लोग हमको बुलाया, इसलिए मैं उनके लिए आया, क्योंकि सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपवृतम। आसक्ति जो है भक्तों के प्रति आसक्ति, ये हमारा मोक्ष का जो है भक्ति का कारण होता है। इसलिए मैं आपके लिए आज स्वागत करता हूँ अपना तरफ से, और हृदय से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो वास्तव में ऐतिहासिक मामला है, अंदर का मामला है। देखा ना रूपा, ये अंदर का मामला। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, श्याम सुंदरम स्वरूपम, ये अंदर का मामला है वो। इसीलिए भगवान का रूप जो है देखना केवल भक्त लोग देख सकते हैं। भागवत पर ही है भागवत स्थान है, कहाँ कहाँ देखेंगे, हरि सदा वसित तत्रा यत्रा भगवता जनः गयंति भक्ति भावेना हरिर्नमैव केवलम। भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं, जहाँ भक्त लोग एक साथ आ जाते हैं, और जब भगवान का नाम लेते हैं भगवान उसमें निवास करते हैं, प्रकट हो जाता है। जैसे प्रभु जी बोला स्टेडियम में करना है, बिल्कुल हो सकता है, करना है। इन इंग्लिश आई एम ऑलवेज सेइंग द ड्रीम इज ऑलवेज ड्रीम बट सक्सेस इज अ ड्रीम प्लस टाइम टेबल एंड डेडलाइन, टाइम टेबल एंड डेडलाइन, करना है। और आजकल संसार में क्या क्या का पगलखाना होता है, ननम प्रमत्त कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रथाय आपृणोति। अभी अभी मैं सैन फ्रांसिस्को में था, सैन फ्रांसिस्को में जो है उसमें गे लेस्बियन परेड, हो जैसे हमारा रथ यात्रा होता है ना, इतना लोग जो है वो सैन फ्रांसिस्को में पूरा नागा बाबा। मैं अलाहाबाद में अध्यक्ष था, उसमें कई वर्षों से जो है हम लोग कुंभ मेला लगाता था, अखाड़ा बहुत सारे लोग आते हैं ना, अखाड़ा नागा बाबा ऐसा बाबा होता है, 1108 महामंडलेश्वर पागल बाबा। लेकिन हमारा बाबा शिल प्रभुपाद महामंडलेश्वर की, वो पागल नहीं है। वो लोग कहते हैं तुम लोग पागल लोग हो गया, प्रभुपाद जी ने बोला वो बोलते हैं हम लोग पागल, हम लोग बोलते हैं वो लोग पागल, कौन पागल है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा कहानी बताऊंगा, मेरे पास कितना छोटा सा समय है,
आयुष क्षण एक ओपी न लभ्य सोना कोति भी है। ये तो वास्तव में मेरे लिए तो आधा घंटा ये जोग है, जोग वार्म अप के लिए, लेकिन फिर भी ये हमारा यात्रा शुरुआत केवल होगा। हम लोग क्या करते हैं, अभी भगवान को स्वागत करने के लिए, भगवान को स्वागत करने के लिए हम लोग विप्लव करते हैं। विप्लव मीन्स आर यू रेडी, रेडी फॉर व्हाट, फॉर रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन विप्लव। तो हम लोग हाथ में का मुख में नाम, हम लोग 5 मिनट कीर्तन करते हैं क्योंकि भगवान को बुलाना पड़ेगा ना, और कीर्तन के समय एकदम खूब ताली बजाओ। उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वो रिसर्च किया था, वो जो व्यक्ति प्रत्येक दिन कम से कम 100 बार ताली मारते हैं, है ना, तो उनके पास जो है जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ना, हार्दिक प्रॉब्लम जो समस्या होता है, BP ब्लड प्रेशर 7% कम हो जाता है, पता है। तो भक्तों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सुबह से जो है हाथ में काम मुख में नाम, ठीक है। और शरीर के लिए हाँ खूब आपका अब हार्दिक समस्या हो गया, हो गया अभी हार्दिक समस्या परिणाम हो गया, क्योर हो गया एकदम पूरा, दवाई खाना जरूरत नहीं है। अब जो है ना आत्मा के लिए शास्त्र के अनुसार बताया गया है, एक शास्त्र है शरीर का शास्त्र, उसमें हाँ बताते हैं वो हाथ के अनुसार जो व्यक्ति करते हैं ना, अकाल मृत्यु हारनम सर्ववीर विनाशनम, जो पूरा भगवान को प्रशंसा करते हुए उसको नकारात्मक जो लाइन होता है, अकाल मृत्यु बीमार कोरोना वायरस होगा सब उड़ जाएगा, साफ हो जाता है। इसलिए आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से जो है फायदा होता है भगवान को कीर्तन करना, क्योंकि भगवान का नाम में बहुत शक्ति है। नम नाम अकारि बहुधानी सर्वशक्ति, सर्वशक्ति हैं, लेकिन थोड़ा विश्वास करिए। आज मैं आपके लिए थोड़ा सा अपना अनुभव बताऊंगा। आज का जो जीवन है, यम स्वानुभावम अखिलम श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमति तीर्थतम तमोंधम संसारिनम करुणयाह पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरु मुनीनम। हम लोग जो है सुखदेव गोस्वामी के लिए प्रणाम करते हैं, हमारे आचार्यों के लिए प्रणाम करते हैं, क्योंकि यम स्वा अनुभावम अखिलम श्रुति सारम एकम, अखिला और सामृत सिद्धु, एकदम समुद्र है ज्ञान का, जैसे प्रभुपाद जी हमारा समुद्र का मोती है और विदेशी लोगों के लिए धोती लगा दिया, ये तो सत्य है, ये ऐतिहासिक मामला है, अंदर का मामला है। आप देखिए कहाँ कहाँ यूक्रेन, मेरा मम्मी यूक्रेनियन, पिताजी रशियन, और मैं नघर का नघट का मैं भारतीयन हो गया। मोदी जी जो है मेरे को भारतीयन बना दिया, वो गलत बोला, यूक्रेनियन, मैं भारतीयन हूँ, मैं हृदय भारत में छोड़ दिया, इसलिए हम मेरे पास भारतीयन का पासपोर्ट है अभी। और क्या है पता, मैं कहीं भी जाता हूँ, अभी पूरा टूर किया था अमेरिका, यूरोप, कहाँ कहाँ, एशिया में, कंबोडिया, थाईलैंड, कहाँ कहाँ नहीं गया मैंने। और जब जाता हूँ तो एक एक आदमी को जो है अपना थोड़ा सा हृदय टुकड़ा देना पड़ता है ना। You can never expect people to give you a helping hand unless you will be able to touch their heart. हृदय स्पर्श करना पड़ता है, जैसे प्रभुपाद जी ने किया था, वो दिखावा के लिए तुरी गया था प्रभुपाद जी। हाँ ये भी एक भारतीयन साधु है, नहीं, एक ही साधु है भारतीयन का जो ये कार्य किया, एक भी नहीं, कोई इतिहास में कोई व्यक्ति ऐसे कर नहीं पाएंगे, ऐसा मलिच्छा पतित लोगों जो है, पतित मलिच्छा लोगों के लिए आप भक्त जीरो से हीरो बनाना और स्टेज में प्रवचन करना भारतीयन लोगों को, जो ब्राह्मण परिवार का देश से, ये तो आश्चर्य की बात है। घर के जोगी जोगर, बाहर के जोगी सिद्ध, आप खुद देख लीजिएगा। एक विदेशी विदेश से आकर के धोती तिलक लगा के, धोती में जो है भारतीयन भाषा में भारतीयन लोगों को सनातन धर्म समझा रहे, और लोगों भारत में जो है लोगों का नाम ही था केशव, गोपाल, नारायण, शिव कुमार इत्यादि। आजकल भारत का को परिस्थिति जो है ना, मोमबत्ती के नीचे अंधेरा, घर का मुर्गी दाल बराबर बोलते ना, नाम ही रख लेते हैं पिंकी मिंकी बुल्लू पुल्लू गुल्लू दुल्लू, बर्बाद हो गया, अनर्थ हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी का प्लान था, विचार था, हाँ जरूर भारतीयन लोग भगवान के नज़दीक रहते हैं, लेकिन दुर्दशा ये है भगवान से जा रहा है।
हाँ अब विदेशी लोग थोड़ा दूर है भगवान से, लेकिन सत्य है भगवान की तरफ जा रहा है। इसलिए हमारा प्लान ये है विदेशी लोग भारतीयों को घुमा के दोनों को वापस भगवान के वृंदावन में विप्लव में आ जाना है। जो अंडा है और लंगरा है दोनों बहुत काम करेगा। 1+1=11 सिनर्जी, एक साथ करना चाहिए, एक साथ। मी नहीं ना वी हम लोग बोलते हैं, हम, मैं नहीं हम। इसलिए ये संकीर्तन यज्ञ आज जो हो रहा है ये वरिष्ठ भक्तों के कारण, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज का आशीर्वाद से, सुंदर गोपाल प्रभु से, और सारे वरिष्ठ भक्तों के कारण, उसको हल्का फुल्का मत समझना, ये बहुत ऐतिहासिक मामला है। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं लेकिन नहीं आते हैं, मोख नहीं है। कुछ लोगों के पास मोख है, नहीं चाहते हैं, आना नहीं चाहते हैं। जिसके पास मोख है और आते हैं वो सबसे भाग्यशाली लोग हैं, आप लोग जैसा। हरे कृष्ण। और हम लोग भगवान को बुलाते हैं, हृदय से पुकार कीजिए, हृदय से बुलाना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, वैसे तो कीर्तन मेला होगा ही, हम लोग पूरा रात तक आकाश सीमा, लेकिन फिर भी आजकल साधना के अनुसार हम लोग थोड़ा सा जल्दी करते हैं। लेकिन इतना ताली मारना जो भगवान राधा रानी को और कृष्ण जी को बिल्कुल बैठना नहीं मिलेगा, उनको आना ही पड़ेगा, ऐसा कीर्तन करना है। Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi गौरा भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सारि गौरा भक्त वृंदा हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवत्सादि गौर भक्त वृंद बोलिए जय श्री
जय महामहोत्सव की जय गौर प्रेम आनंदे बाईजी ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अजानुलंबितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायतक्षौ विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारौ वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानं पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार शिवा श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहता हूँ, अभी देख लिया जितामृत प्रभु जी, हरे कृष्ण। हमारा उसको कहते हैं ना, ओल्ड फ्रेंड बेटर देन टू न्यू, ओल्ड इज गोल्ड, पुराना दोस्त दो नया से ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आपके लिए बहुत धन्यवाद है कि प्रभु जी का तो सूर्य जैसा आ गया। मैं सोचा कितना गर्मी लग रहा है, प्रभु जी आ गया अपना शक्ति लेकर के भक्ति शक्ति। उनके लिए तीन छुट्टी हरि बोल बोल दिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू। तो मैं आपके लिए एक कहानी बताना चाहता हूँ जल्दी। एक बार व्यक्ति मरुभूमि में जा रहे थे, मरुभूमि में जाते जाते बिल्कुल थक गया, पानी उनको नहीं मिला, पानी बिल्कुल नहीं मिला, वो मरने वाला था। सोचा अगर अभी पानी नहीं मिलेगा मेरे को तो मैं मर जाऊंगा। अचानक वहां थोड़ा दूर में जो है एक झुपड़ी देखा, झुपड़ी जो है घर था, सोचा शायद उधर होगा थोड़ा सा। तो उन्होंने अंदर गया था और देखा एक छोटा सा घर था, उसी घर के अंदर जो है उन्होंने पानी का पंप देखा। गांव गांव में होता है ना पानी का पंप, तो उन्होंने सोचा अभी हम पानी निकाल देंगे पियेंगे। जब उसको ने पूरा दबाने लगा, वो पुराना था, कोई एक बूंद भी पानी नहीं आया बिल्कुल। अब क्या करें, निराश हो गया, गिर गया सेंट में बालू में। लेकिन देखा एक बोतल, एक बिसलेरी का बोतल देखा उन्होंने, पता बारिश, सोचा अभी मैं पानी पीऊंगा, जरूर पीऊंगा। बोतल पकड़ लिया और पीने शुरू किया और उसमें कुछ लिखा था, ये पानी पीने के लिए नहीं, ये पंप चालू करने के लिए पंप बोतल है। क्योंकि जब पुराना पुराना पंप होता है ना, उसमें ट्यूब में जो है पानी डाल देते, बाद में जो पंप करते वो वैक्यूम जो है क्या हवा से जो है पानी से खींचते हैं, ज़्यादा पानी 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 से जो है निकलते हैं। तो ये बोतल जो है वो पानी जमीन से निकलने के लिए अंदर देना पड़ेगा, पीना नहीं। तो व्यक्ति ने सोचा भाई क्या करूं, अगर मैं डाल दूंगा और पानी नहीं आएगा तो मैं इधर भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी आग बंद करके सोचा, मैं छोड़ो ठीक है मैं विश्वास करता हूं। पानी डाल दिया और जब पंप चालू किया, धीरे धीरे जो है वो काला पानी, घंटा घंटा पानी, बाद में साफ पानी आ गया, बोतना पानी आ गया, वाह खुश हो गया। सुसुखम कर तुम आव्ययम, शुरू में थोड़ा तकलीफ होता है ना, नो पेन नो गेन। तो शुरू में जो है किया थोड़ा मुश्किल था, बाद में इतना पानी आ गया, वाह स्नान करके पूरा मजा आ गया, आराम किया, पूरा बोतल में डलवा दिया और निकलने लगा। लेकिन उनके पास थोड़ा सा विचार आ गया, भाई अगर मैं पानी नहीं डाल दूंगा तो कोई मर जाएगा, मैं भी पानी में भर डालूंगा। पानी भर दिया उसमें और बोतल भी उसी कुएं में रखा और सोचा मैं भी लिखूंगा, ये पानी जो है पीने के लिए नहीं, ये पाप चालू करने के लिए बोला। और बाद में विचार किया, नहीं और कुछ चीज लिखना पड़ेगा। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने दिस इज वर्किंग, आई हैव ट्राइड, मैंने किया, ये काम कर रहे हैं, विश्वास करो मेरे लिए लिखा, इट इज वर्किंग, आई हैव ट्राइड, प्लीज ट्रस्ट मी। उसी प्रकार जो है आध्यात्मिक रास्ते में लोग आना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं अगर मैं जाऊंगा तो क्या होगा। तो हम लोग जो वरिष्ठ भक्त आते हैं और वो आपको बोलते हैं, भाई विश्वास कीजिए, मैं 30 साल किया, काम कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, इट्स वर्किंग। क्योंकि हमको समझना चाहिए, हमारे पास समय बहुत कम है। मेरे पास एक दोस्त था, एक महिला कीव से, मेरे को कहानी बता दिया। एक बार उन्होंने फ्लाइट में था और उनका फ्लाइट थोड़ा डिले हो गया उनका फ्लाइट,
कुछ 3 घंटा, तो उन्होंने थोड़ा सा एक पत्रिका खरीद लिया, कोई कुकी खरीद लिया, सोचा VIP कमरा में जाऊंगा टाइम बिताने के लिए। उन्होंने गया था और उसमें थोड़ा सा कुकीज लेकर के बैठ गया और मैगजीन पढ़ने शुरू किया। लेकिन उनके सामने जो है बिल्कुल ऐसा सोफा में एक आदमी बैठ गया, कोई आदमी बैठ गया, वो भी मैगजीन पढ़ने शुरू किया। लेकिन क्या लफड़ा हो गया, जब वो कुकी लेता था वो व्यक्ति भी एक कुकी लेता था। उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया, कैसे आदमी है बिना पूछ के मेरा कुकी खा रहे हो। लेकिन चुपचाप वो नतक करना नहीं चाहता था, सोचा मैं चलो ठीक पढ़ते देखते हैं। जब अंतिम कुकी बाकी था उन्होंने सोचा आप देखते हैं क्या करेगा वो बेचारा, तो व्यक्ति क्या कि एक कुकी लेकर के आधा कर दिया, आधा उनको दे दिया, आधा कुछ कर खाया। इतना गुस्सा आ गया उसको सामान लेकर के भाग गया चेकिंग में, जो है बहुत गुस्सा आ गया उनको, तो सह नहीं पाया। जब वहाँ बैठ गया फ्लाइट में, अपना फ्लाइट में बैठ के वो आगे पढ़ने अपना पर्स खोल दिया चश्मा लेने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उन्होंने देखा जो उनका कुकी जो था उनका बैग में था, वो उसी आदमी का कुकी था, उनका नहीं था, वो भूल गया, मैं अपना कुकी निकला ही नहीं, वो व्यक्ति का कुकी था। ओहो, उनको तो बहुत शर्म आ गया, भाबरी भाबरी, तो मेरा कुकी नहीं था, वो उनका कुकी था। और उनको इतना तक गुस्सा भी नहीं आया, और मेरा कुकी नहीं होने से भी मेरे को इतना गुस्सा आ गया, अभी क्षमा याचना लेना कैसे लेंगे, वो कहाँ कहाँ गया, मैं कहाँ कहाँ गया। इसी प्रकार जो है हम लोग देखते हैं जीवन में बहुत मूल्यवान समय है। चार चीज हम लोग कभी भी वापस नहीं आएगा, जैसे आप पत्थर फेंक दीजिए समुद्र में, वो वापस कभी नहीं आएगा। अगर आप शब्द बोल दीजिए, किसी को करप्ट शब्द बोल दिया ना, किसी का हृदय तोड़ दिया, तो वापस शब्द नहीं आएगा। तीसरा चीज जो है अवसर, जैसे विप्लव, कोई व्यक्ति जो है नहीं आया सीताराम, अभी फिर दोबारा नहीं होगा, और क्या। और चार नंबर ये समय है, आयुष क्षण एकोपी नलभ्यक्षो नकोति भी, समय 1 सेकंड समय, तब 1000 सोने का सिक्का में खरीद नहीं कर सकते हैं, वो गया। इसलिए समय उपयोग करना चाहिए, इफ यू आर नॉट यूजिंग यू आर लूजिंग। समय एकदम उपयोग करना चाहिए, और कैसे करना है, पूरा जीवन प्लानिंग करना चाहिए पूरा, और बचपन से जो है युवा अवस्था से करना चाहिए। और मैं आपको जीवन का अपना अनुभव बताऊंगा आज, क्योंकि आजकल पूरा समाज पागल हो गया, उसी पेड़ को जो है पानी देते हैं जिस पेड़ में जो है फांसी हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या बना दिया, स्मार्टफोन खुद स्मार्ट नहीं है, मोबाइल स्मार्ट बना दिया, सारे रोबोट उनको नियंत्रण करते हैं पूरा। आपको नंबर बताना नहीं चाहता हूँ, आप हिरन पागल हो जाएंगे, कितना आत्महत्या, कितना गर्भत्या, कितना नशा इत्यादि भारत में। इसलिए आप लोग भाग्यशाली हैं, सही रास्ते में पहुँच गया आप लोग। आजकल लोग जो है एक दूसरे को जो है हाथ में कम क्या बहाल में चोरी बोलते हैं ना, हंसते हैं, स्माइलिंग फेस इज क्राइंग हार्ट, उसको एक दूसरे को जो है बिल्कुल ईर्ष्या करते हैं, बुरा नजर वाला तेरा मुख काला। दैट्स वाई दिस इज द टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लर्न समथिंग, कुछ नया चीज सीखने के लिए, ऐसे चीज सीखने के लिए जो हमारा जीवन का विकास हो जाए, हमारा चेतना जो है एवोल्यूशन ना। अभी मैं लॉस एंजेलिस से आ गया, तो उसमें एक आदमी जो है डॉक्यूमेंट्री मूवी बना दिया, मैं 10 साल से नहीं चाहता था, मत बनाना मेरे को नहीं चाहिए, नहीं बोला आपके बारे में मैं मूवी बनाऊंगा, क्योंकि कहां आर्मी कमांडो ऑफिसर, यूक्रेन का नहीं, सोवियत यूनियन USSR था पहले, 16 देश एक साथ था उस समय, सोवियत यूनियन बोलते हैं यूनियन, टुकड़ा बना दिया उसको। अभी भाई के साथ ममा का पांडा बख्चेवा कीमा कुरोता संजय, एक ही परिवार, हमारा यूक्रेन में सब लोग रशियन बात करते हैं, ये कहां से आ गया, बस ये झगड़ा आ गया, आग घर में ही आग लग गया। अगर घर में आग हो गया, आप देखिए आपका घर में जो है आग लग गया, बहुत चारों तरफ से आग लग रहे हैं, और ये आदमी आ गए, क्या गर्मी लग रहे हैं, चलो ठीक है मैं आपको आइसक्रीम खिलाता हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, आप आइसक्रीम से खुशी होंगे, नहीं मेरे को बाहर ही निकाल दीजिए यहाँ से। आजकल लोग जो ये छोटा मोटा चिड़िया टोटा बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं, तो थोड़ा प्रयास करते हैं, कोई आईफोन आईपॉड आईटॉच आईपैड पूरा गधा जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं है। विश्वास कीजिए, मेरे को मौका मिला कहीं प्रधानमंत्री मंत्री बहुत बड़ा हॉलीवुड स्टार बॉलीवुड स्टार सब लोगों के साथ बात करना मिला। मैं अभी लॉस एंजेलिस में जो है वो श्वार्ज़नेगर जो है और बहुत बड़ा कमांडो टर्मिनेटर हो बसुर, खुशी है क्या, जिम केरी बेन डीजल
अगर कोई नहीं जानते हैं। जिम गैरी क्या बोला पता है? बोला मैं चाहता हूं पूरा दुनिया यशस्वी और धनी हो जाए मैं जैसा। आई विश एवरीबडी शुड बिकम फिल्थी रिच एंड फेमस लाइक मी टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट ए सोल्यूशन। ये परिणाम है ही नहीं, क्योंकि आप पैसे से जो है मोबाइल कंप्यूटर खरीद कर सकते हैं। यू कैन बाय मेडिसिन बट यू कैन नॉट बाय हेल्थ। हम लोग जानते हैं ये ना। आप लोग आदमी को खरीद कर सकते हैं लेकिन मित्रता प्रेम नहीं खरीद कर सकते हैं। बहुत सारी चीज जो आप पैसे से खरीद नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। टू बी सक्सेसफुल एंड टू बी हैप्पी दिस इज नॉट इक्वेशन, ये बराबर नहीं है। तो क्या करते हैं, हमको वास्तव में सीखना चाहिए हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। हम लोग हमेशा बोलते हैं ए बी सी डी सीखना है, एम बिहेवियर कैरेक्टर डिसिप्लिन, सब कुछ भूल जाएंगे। ये चार चीज मत भूलना, ए बी सी डी। क्या ए बी सी डी? ए एम उद्देश्य, बी बिहेवियर व्यवहार न जयंते, सी कैरेक्टर चरित्र और डी डिसिप्लिन अनुशासन। मैं पहले आर्मी में था, बहुत सारा अनुशासन बाद में मैं आपको बताऊंगा, अभी समय नहीं है हमारे पास, लेकिन बताऊंगा। आर्मी बहुत अच्छा किया हमको अनुशासन बनाने में जो है, टीम बनाने में जो है, बिल्कुल सहिष्णुता शक्ति उत्साह। टीम मीन्स टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, एक साथ काम करना चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्रज्ञा जयंती ही सुमेधस, बुद्धिमान लोगों के लिए। तो हम लोग अभी गौरांग महाप्रभु का आर्मी है, देखिए कितना बहुत बड़ा सैनिक है श्री प्रभुपाद जी हमारा सेनापति प्रभुपाद की। तो हमको एकदम गोल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है बिल्कुल जानबूझ के स्वीकार करना। प्रभुपाद जी हमारा बहुत सारे उपाय हैं लेकिन हम लोग समस्या पार नहीं कर पा रहे हैं। आजकल समाज देखिए आईटी आईफोन कुछ क्या क्या ना कमी नहीं है। प्रभु जी दिखाया क्या क्या हमारे पास नहीं है, सब कुछ है लेकिन हम उसको सीधे उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं हम लोग। तो बहुत सारे लोग बिजी, जीवन बहुत छोटा है हमारे के लिए, हंसते नहीं जीवन, मालूम है ना। वो कहते हैं जो माया का पसल में दुकान में सब लोग जाते हैं, पूरा माया का पसल दुकान में जाते हैं, सब लोग खरीद लेते हैं। क्या जो कस्टमर होता है, कस्टमर कौन होता है मालूम है? जो कष्ट मरते हैं वो कस्टमर है। इस माया का जो है कस्टमर हम लोग सब हैं, और इतना जो है काम करते हैं बिल्कुल फंस जाते हैं। बहुत सारे प्रयास करते हुए हम बहुत ओवरलोड हो जाता है, भार हो जाता है। इसलिए हमको थोड़ा दिमाग खोलना पड़ता है, एक सही रास्ता है। और हमारे पास एक ही जीवन है, एक गोली है। अगर आपके पास एक गोली है तो कहाँ चलाना उसको, उद्देश्य तो पक्का होना चाहिए। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं भाई नो विंड विल बी फेवरेबल फॉर यू अनलेस यू नो वेयर इज योर शिप सेलिंग। अगर खुद को पता ही नहीं है, बैल मेरा बाप गाय मेरा माता कुछ नहीं आता, मेरा जगह कहाँ जा रहा है, तो कोई भी हवा आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। Another saying I like very much, ship is very safe in harbor, but it's not what it's made for. जगह जो है सुरक्षित है बंदरगाह में, लेकिन ये उनका उद्देश्य थोड़ी है ना, उनको समुद्र पार करना पड़ेगा। You can never ever discover new land unless you're willing to give up the sight of seashore. समुद्र का किनारा जानबूझ के छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी पिता माता को भी छोड़ना पड़ता है कभी कभी। मैं माफ चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भारत का भी थोड़ा लफड़ा ये है। पिता माता को सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन पिता माता के साथ रहना पूरा जीवन हमारा कर्तव्य नहीं है, बहुत खतरनाक चुनौती है। प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं। आप कभी देखा जीवन में जो है जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसको गाय लाट मारते हैं भाग यहाँ से, जब पक्षी जो है फुर्र उड़ जाते हैं, अच्छा था पक्षी मातरम का कहा, जब पक्षी बड़ा पंखा आ जाते हैं फुर्र, मैं खुद देखा जब मम्मी बच्चों को गिरा देते हैं उसे घोंसले से निकाल भगा देते हैं क्योंकि उड़ना नहीं चाहते हैं, मोटा हो गया, तब उसको जो है सिखाने के लिए धक्का देना पड़ता है, पुश प्रे अंटिल समथिंग हैपन ना, आप जानते हैं धक्का देना पड़ता है। और प्रोग्रेस डिपेंड्स प्रोपोर्शनली ऑन द किक फ्रॉम द बैक। कभी कभी भगवान ऐसा परिस्थिति देते हैं जीव जागो, तो क्यों करने है? उद्देश्य के लिए, संसार को जो है विकास करने के लिए। कभी कभी वी हैव टू गेट आउट फ्रॉम कंफर्टेबल जोन, सुरक्षित जगह से निकलना पड़ता है। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको मेरा प्रवचन केवल स्टेज से नहीं, मेरा जीवन मेरा प्रवचन, हमारा जीवन मेरा प्रवचन है, प्रभुपाद जी का प्रवचन उनका जीवन है।
लेकिन जो कहाँ कहाँ अज्ञान आनंद है, बुद्धिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखते हैं अगर मछली को जो है आप पानी से मछली ले लीजिए, प्रभुपाद जो उदाहरण देते हैं मछली पानी से निकाल दो और जमीन में रखो, उसको जो है PhD MBBS मंत्री तांत्रिक बनाओ, करोड़ डॉलर दे दीजिए उनको, लड़की दे दीजिए, लड़का दे दीजिए, सुपर पुपर श्वार्ज़नेगर और मिस इंडिया मिस यूनिवर्स, सुंदर गाड़ी मकान बना दीजिए, मछली खुशी होगा कि नहीं? कहाँ होगा, उनको तो पानी चाहिए। उसी प्रकार हम लोग क्या क्या शरीर के लिए क्या क्या नहीं बनाया, 5-star होटल, भोजन रेस्टोरेंट, कैसीनो, लेकिन हम लोग आत्मा के लिए भोजन देना भूल जाते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं ये कार्य जो है आपका कार्य कोई नहीं करेगा, खुद को करना पड़ेगा, आत्मा सत्सत्कार हम खुद को करना पड़ेगा, अपना अपना जो अनर्थ है जो है निकलना पड़ेगा। और मैं आपके लिए ये बताना चाहता था, अभी समय कम है हमारे पास, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लड़का लोग पूछा, प्रभु जी मैं क्या करूं, मेरे जीवन में मार्गदर्शन दिखाइए क्या करूं। ये आपके लिए, मैं आपके लिए लाइव हैक बोलते हैं इसका, बता रहा हूं आपको, मैं बना दिया 4 गोला, ध्यान से देख लेना प्लीज़, ये आपके लिए सबके काम आएगा। बाद में प्रश्न होगा पूछना, मैं बताऊँगा आपको। देर इज़ समथिंग विच यू नो समथिंग वट यू डू वेरी नाइसली, ऐसा कुछ कार्य आप करते हैं जो आपको बहुत अच्छा आता है करने का, ठीक है ना? ऐसा आपके पास समथिंग विच यू लाइक टू डू एंड यू डू समथिंग नाइसली, इट्स कॉल्ड पैशन। हमारा जो क्या उसको हिंदी में बोलते हैं ना, जो हमारा क्या उसको हमारा शौक है हमारा, इट्स कॉल्ड पैशन। आई लाइक टू डू दिस, मेरे को अच्छा लगता है और मैं अच्छे भी ये करता हूँ, तो उसको पैशन बोलते हैं। जो आप वास्तव में जो आप कार्य जो है प्रेम करते हैं कार्य के लिए, और ये बहुत बड़ा आवश्यकता है समाज में, उसको कहते हैं आपका पुकार, आपका जो है आत्मा पुकार, दिस इज योर डेस्टिनी, आपका जो है अंदर का पुकार है, ये आपका डेस्टिनी तब आपका, जो वास्तव में समाज के लिए बहुत आवश्यकता है, और जो आपको पैसा देते हैं उसको कहते हैं जॉब, वर्क, वर्क 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 डॉट कॉम, वरी 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 वीप 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 डॉट कॉम, ये वर्क कहते हैं जॉब जॉब जॉब, इज नॉट जस्ट माई मिशन, जॉब मतलब पैसा कमाना, ये मेरा जॉब है। लेकिन जो आपको पैसा देते हैं IIT इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तंत्री मंत्री, टैक्सी ड्राइवर, साधु, जो भी है, लेकिन आपका मिशन क्या है देख लीजिए क्या करना है। और जो वास्तव में आपको अच्छा आता है और आपको प्रॉफिट देते हैं उसको कहते हैं प्रोफेशन, ठीक है? उसको गहराई में बाद में बात करेंगे आपसे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जीवन में जो है गुण कर्म भी बहाग, अपना गुण और कर्म के अनुसार हमको मिशन में लगाना चाहिए सनातन धर्म का मिशन के लिए। ऐसा नहीं है जो सब लोग सन्यासी ब्रह्मचारी बन जाएगा, नहीं। चतुर्वर्ण्याम या श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सह, अभी हम लोग देखा अर्जुन, अर्जुन जो है राजा था, राजा मामी चपतुम धनंजय धान विजय करने वाला, ये पंडल जो है अपने आप आकाश से नहीं गिरा, पता है ना? किसी ने हमारा शुभचिंतक को पैसा देते हैं, हमको मस्तक भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, पेट भी चाहिए, पैर भी चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए, लेकिन एक साथ, रियल फ्रेंड्स नॉट दोज़ हू आर लुकिंग एट ईच अदर बट दोज़ हू आर लुकिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही उद्देश्य होना चाहिए हमारा, समझते हैं ना? कभी कभी गाड़ी चलते हैं, 4 चक्के होते हैं, 1 स्टेयरिंग होते हैं, दरवाजा होता है, एक्स्ट्रा व्हील होता है ना, उसको एक चक्का होता है एक्स्ट्रा, वो कोई काम किया भी नहीं है लेकिन भविष्य में काम आएगा। वी हैव टू बी ओपन माइंडेड, वी हैव टू एम्ब्रेस एवरीवन, बहुत जरूरी है। और अर्जुन भी गृहस्थ भी था, उनके पास 4 श्रीमती था, लेकिन वो भी ब्रह्मचारी था, एक नारी ब्रह्मचारी। इसलिए आप लोग जो देख लीजिए, वास्तव में आपके लिए होमवर्क, व्हाट इज योर मिशन इन योर लाइफ। जैसे मैं बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो विप्लव जो है और हमारा मिशन जो है और प्रभु जी का मिशन, श्रीगोपाल का मिशन, लगता है हमको एक ही सेम ग्रुप ब्लड। वी हैव टू बी स्वजातीय, वी हैव टू लुक एट द सेम डायरेक्शन, बिकॉज वर्ल्ड इज गोइंग टू हेल, नरक में जा रहा है। संसारिनम करुणयाः पुराण गुह्यम, थोड़ा दया होना चाहिए, थोड़ा सा दया होना चाहिए लोगों के प्रति, लेकिन प्रचार भोजन का दक्कार, थोड़ा अपना खाओ, जब पेट भर जाएगा, ये प्रचार है। वी हैव टू बी हैप्पी, दैट्स व्हाई वी हैव एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट,
एड्यूटेनमेंट हाँ एड्यूटेनमेंट एजुकेशन एंटरटेनमेंट आध्यात्मिक जीवन बहुत मजा आया आनंदपूर्वम सुसुखम कर तुम अव्ययम मत सोचिएगा आध्यात्मिक जीवन बोरिंग है वही साधु तपस्या करना पड़ता है ने मैं जितना तक मैं नाच रहा हूँ भक्त लोग मेरे को उल्लू बना दिया नाचने लगा मेरे को 30 साल पहले अभी तक नाच रहा हूँ देखिए तो आपको क्या उद्देश्य है और क्या उस उद्देश्य के लिए आप समर्पित कर सकते हैं ये विचार कीजिए ठीक है और हमको क्या है ऐसा परिवार बनाना है एक साथ होना चाहिए एक साथ क्योंकि अब हाँ 2025 में 32,000 होना ही होगा होगा कि नहीं स्टेडियम नहीं सुनाई नहीं देते हैं क्या सुनाई नहीं देते हैं एक आदमी दूसरे से आदमी से जो है पैसा ले लिया 5 लाख बोला तुम सुनो गुप्ता तुम मेरे को वापस दोगे पैसा हाँ दूंगा ए शर्मा जी मैं पक्का दूंगा दे दूंगा पक्का गारंटी पक्का एक महीना के बाद वापस दे दूंगा आपको बोला और एक महीना बीत गया बोला ए सुनो गुप्ता पैसा मेरा कहाँ है वो पर फोन कर रहे हैं हे गुप्ता सुनो मेरा पैसा है कहाँ वो गुप्ता बोलते हैं क्या सुनाई नहीं देते हैं क्या वो बेचारा 10 बार फोन किया था वो बोलते हैं हाँ सुनाई नहीं देते हैं तब ये शर्मा जी फोन किया था दूसरा ए सुनो मिश्रा जी गुप्ता जी को बोला मेरे को पैसा चाहिए वापस तो मिश्रा जी बोल फोन करते हैं गुप्ता जी सुनो शर्मा जी बोल रहे हैं उनको पैसा चाहिए पैसा दो उनको क्या सुनाई नहीं देते हैं है यार मेरे को सुनाई देते हैं तुमको क्यों सुनाई नहीं देते हैं तुमको सुनाई देते हैं तुम दे दो मेरे को सुनाई नहीं देते हैं उसी प्रकार जो है हम लोग बोलते हैं प्रवचन विप्लव प्रवचन कीर्तन क्या जिसको सुनाई देते हैं तुरंत सुन लेगा जिसको सुनाई नहीं देते आयराम गयराम सुनेगा नहीं तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप सुन लिया जाए ध्यान से हृदय में स्वीकार किया जाए ये जनतस्य विप्लवो ये विप्लव है ये रिवोल्यूशन है और हमको छोटा मोटा विचार नहीं करना चाहिए कल मैं प्रभु जी को बोला प्रभुपाद जी ने बोला मेरे पास एक समस्या मेरे पास मैं छोटा सा विचार नहीं कर पा रहा हूँ अगर विचार करना विशाल विचार करना पड़ता है पूरा विश्व का विचार करना पड़ता है ऐसा तो हम लोग जो है एक साथ करना कोऑपरेशन करना चाहिए आप देखिए मैं आपको और 2-3 कार्टून देता हूँ कभी कभी हम लोग देते हैं आजकल संसार में बड़ा बड़ा लीडर लोग प्रधानमंत्री ये यूक्रेन रशिया पैलेस्टाइन इसराइल अभी देखिए रास्ते ही की है लेकिन एक अहंकार अहंकार अभी मुधात्मा करता हम इति मन्यति अहंकार के कारण लोग जो है शांति नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे के साथ जो है झगड़ा करते हैं क्यों झगड़ा करते हैं उसमें आवाज़ लगाना पड़ेगा वीडियो में तो उसमें जो है भूल जाते हैं पीछे पीछे लोग लोकस्तन वर्तते पीछे पीछे लोग भी जा रहे हैं ना बहुत सारे निर्दोष नागरिक लोग भी हैं लेकिन अगर लोगों के बारे में उसको कोई ध्यान नहीं है तो फिर क्या होगा हमने देखा एडवर्टाइजमेंट में जो है भारत में देखा आज तक सी आफ्टर द ब्रेक संडे हो मंडे हो सब लोग खाओ अंडा तब हमने सोचा 2 लाइन और जोड़ना पड़ेगा संडे हो मंडे हो सब लोग खाओ अंडा तब हो जाएगा ठंडा जब यमराज मरेगा डंडा तब ठंडा हो जाएगा उसी प्रकार जो है अगर तुम लोग जो है आग बंद करके सुनना आवाज सुनना नहीं चाहते हैं बोलते हैं ना कभी कभी परमात्मा विस्परिंग ना विस्परिंग समटाइम्स गॉड टॉकिंग टू यू बाय विस्परिंग इफ यू अगर आप सुनते नहीं तो आपको थोड़ा सा जो है परेशान कर देते हैं देख लीजिए जब संसार में झगड़ा होता है थोड़ा बंद कर दीजिए प्रेजेंटेशन और बंद कर दीजिए इसके बाद तो देखिए और किया अब देखिए क्या करना पड़ेगा अभी अगर फुई यत अचरति श्रेष्ठस संसार एक ही होता है बरम्बर एक ही परीक्षा सबको मिलता है लेकिन जो हम लोग हाँ थोड़ा सा कुछ झुकना पड़ता है समस्या जो है ठीक करने के लिए विनम्रता होना चाहिए त्रिनाद पी सुनी छना आप कम करना उसको प्रेजेंटेशन बंद करके फिर चालू कीजिए तो हम लोग मैं आपके लिए ये दिखाना चाहता था मैं पहले जो है आर्मी में था मैं पहले आर्मी में था और जो है ना आप तुम पूरा अहंकार था मेरे पास जैसे कार्टून में था
तो मैं एक रास्ते में जा रही था, एक आदमी बोला है तुम आर्मी ऑफिसर है? बोला हाँ मैं कमांडो ऑफिसर हूँ। अब VIP भी होगा ना, VIP है? मैं बोला हाँ मैं VIP भी हूँ। VIP आपके लिए किताब है, आपके लिए किताब है, भगवद गीता किताब है आपके लिए, ये युद्ध के बारे में किताब है। वो किताब दे दिया आर्मी के बारे में, जब आर्मी के बारे में किताब दे दिया, ये कौन सा आर्मी युद्ध किताब? तो मैं घर में आ गया, उसको पढ़ते पढ़ते मेरे को बस एक श्लोक एक लाइन पढ़ना 10 मिनट लगा मेरे को। जब भगवद गीता पूरा पढ़ लिया मैंने, तो फिर भगवद गीता पूरा पढ़ लिया तो मैं 1 साल लगा मेरे को, नींद करने के लिए भगवद गीता पढ़ना पड़ता था, नींद नहीं आता था मेरे को, मैं जब सो जाता था पढ़ते पढ़ते। लेकिन 1 साल के बाद जब पढ़ लिया, प्रेजेंटेशन चालू कीजिए उसी स्लाइड से, आर्मी स्लाइड से, तो उसमें जो है मैं समझ गया मैं वास्तव में VIP हूँ, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। मैं आपके लिए आज प्रार्थना कर रहा हूँ, वास्तव में जो है आप बहुत भाग्यशाली लोग हैं। तो हमको जो है क्या करना है, होम ऑफ लव एंड डिवोशन होल्ड करना पड़ेगा ना, जैसा मैं बताया है सबको एक साथ होना चाहिए। तो मैं प्रभुपाद जी इसी उद्देश्य के लिए निकल गया विदेश में, क्योंकि उन्होंने चाहता था पूरा संसार एक परिवार बनाने के लिए। मैं भारत में कोई किसी ने सिंहा का दूध पिया कि नहीं? कोई सिंहा का दूध मिलता है भारत में? कोई नहीं पिया सिंहा का दूध, शेरनी का दूध नहीं पिया? अच्छा मैं सोचा पिया, मैं भी नहीं पिया। लेकिन कहा जाते हैं जो शेरनी का दूध रखने के लिए जो है सोने का बर्तन चाहिए, सोने का बर्तन चाहिए चैतन्य, क्योंकि बहुत तेजाब जैसा है तेजाब। तो शिला प्रभुपाद जी के पास हृदय में भक्ति था, चैतन्य महाप्रभु का नाम है सिंह चैतन्य, सिंह चैतन्य, वो शेर जैसा था, उनका आवाज शेर जैसा था, उनके पास जो है अमृत प्रेम नमो महावदन्य है, ये बिल्कुल अमृत जैसा है। लेकिन उसको पाने के लिए हमको थोड़ा सा सोने का हृदय होना चाहिए, प्रभुपाद जी के पास जैसा बड़ा हृदय होना चाहिए। तो मैं जब प्रभुपाद जी को देखा, शिला प्रभुपाद गया था पूरा देश विदेश में और होल्ड बना दिया, होम ऑफ लव एंड डिवोशन, सबको जो है एक परिवार बना दिया। और हमारा पास यदुबार प्रभु लॉस एंजलिस में बहुत बढ़िया मूवी बना दिया, आप सब लोग देखा होगा। हाँ शिला प्रभुपाद जी अकेली अमेरिका में गए था, अकेली बूढ़ा आदमी, मैं अभी न्यूयॉर्क से आ गया और उसी टॉम्पिन स्क्वायर में जो है जो रुख पेड़ जो है वो नीचे बैठ गया भक्तों के साथ, 3 भक्त हम लोग था, सारे हिप्पी लोग, शराबी मरिहुआना सब लोग अभी तक हैं। तो मैं सोचा कितना मुश्किल है, मेरे पास दिमाग खराब हो गया, इतना मरिहुआना था उसमें, इतना हिप्पी लोग। तो मैं सोचा प्रभुपाद जी को कैसा था अकेली, तो उन्होंने अमेरिका में गए था और प्रभुपाद जी संपूर्ण विश्व को जो है नचा दिया, पूरा विश्वास जो है, आपको विश्वास नहीं होगा ये विदेशी लोगों को कृष्ण जी का नाम भी कभी सुना ही नहीं लोग, भगवत गीता का नाम तो छोड़ दीजिए, कृष्ण जी का नाम भी कभी नहीं सुना सब लोग, और सब लोग जो है नचा दिया। और वास्तव में जो है शिला प्रभुपाद में एक कहानी गाना बना दिया, गाना गोल्डन पॉट, एंड आई विल रीड यू वन पोएम एंड आई विल शो यू वन स्मॉल क्लिप 3 मिनट्स एंड वी विल स्टॉप नाउ। आई रोट वन पोएम टू शिला प्रभुपाद इन इंग्लिश, आई विल टेल टू यू। भक्ति रिजाइडेड इन योर हार्ट लाइक द नेक्टर इन द गोल्डन पॉट, यू वर वेरी काइंड एंड स्मार्ट टू स्प्रेड द लव ऑफ गॉड, थ्रू एंग्री ओशन हैड टू क्रॉस, 2 times गॉट हार्ट अटैक, सो पर्सनली सुप्रीम लॉर्ड योर पॉट हैड टू प्रोटेक्ट, सो इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ नेक्टर मे नेवर आउटस्पिल, द ओशन काम बिकेम एंड स्टिल बाय लॉर्ड श्री कृष्णस विल, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग नेक्टर वाइड यू रिलीव्ड द अर्थ फ्रॉम द पेन, यू सेव्ड सो मेनी फॉलन सोल्स हु वर लिविंग लाइव्स इन वेन, यू हेल्प्ड अस लॉर्ड गोविंदा मीट टू यू इज आवर ट्रिब्यूट, लेट प्लेनेट अर्थ एम्ब्रेस योर फीट एंड ऑफर यू सल्यूट, शिला प्रभुपाद की। तो मेरे पास भी ऐसा उत्साह प्रेरणा हो गया, अगर ये एक आदमी ऐसा कर पाया तो हम लोग युवा लोग जो है कर नहीं पाएंगे क्या? आप बताइए, एक एक व्यक्ति अगर जिम में लिएगा तो मेरे को, मैं आपको आप लाइव हाक बोलता हूँ, आप लाइव हाक, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। मैं जब गुरु महाराज से मिल गया बहुत साल पहले, तो बोला तुम विप्लव करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू डू व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, आर यू रेडी? मेरे पास इच्छा था मायापुर में बैठना, वो लंबा कहानी अभी नहीं बताना, लेकिन मेरे पास कुछ और कुछ इच्छा था,
लेकिन उन्होंने, मैं बोला मेरे को दीक्षा दीजिए गुरुजी, बोला और मेरे को आँख में देखा, बोला आर यू रेडी टू डू नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। लेकिन तब मेरे पता मेरा मन बिल्कुल मन पागल हो गया मेरा। लेकिन गुरु बोला तैयार है, तब मैं बोला यस सर आई एम रेडी। तब जो है इसी मिशन में आंदोलन में जो है भाग ले लो, तुम जाओ उधर बांग्लादेश जाओ, भारत जाओ, मंदिर बनाओ, नेपाल जाओ। बाबरी बाबरी, तो बहुत बड़ा चुनौती था मेरे लिए। लेकिन मैं सोचा चलो ठीक है, गुरु का आदेश मुखम करुति वाचलम फलगुम लंगयती गिरिम तत्कृपतम हम बंदे श्री गुरु दिनतारिणे, मैं गुरु का आदेश स्वीकार करूँगा। और बाद में क्या चमत्कार हो गए जीवन में, बाकी इतिहास है। तो हम लोग भी, मेरे को भी आश्चर्य लग रहा है, मेरे को भी अभी आश्चर्य। मैं हिंदी में भारतीय लोगों को हिंदी में बात कर रहा हूँ, नहीं आश्चर्य की बात है। मेरे को, मैं कहीं देश में जाता हूँ इसी भाषा में बात करना, मुखम करुति वाचलम। और हम लोग में नेपाल में भी आ गया, अकेले आ गया 20 साल पहले। हम लोग अभी हॉस्पिटल गुरुकुल स्थापना करते हैं, गौशाला हमारा पास कितना बहुत 200-300 गाय भी हैं। और मेरा मम्मी जो है मेरे को घर से भागा दिया, पता है ये जो लोगों को जो पिता माता को आदर नहीं करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको अपना अनुभव, पिता माता मेरे को घर से भागा दिया, तुम पागल हो गया, भाग यहाँ से, घर में वापस मत आना। 25 साल तक मैं वापस घर गया ही नहीं, बोला हमको शर्म लग रहा है, मम्मी बोला मेरे को शर्म लग रहा है, ये क्या टूपी एंटीना बना दिया, पजामा लगा दिया, तुम तो आर्मी ऑफिसर थे, हमको गर्व था, अभी क्या क्या क्लाउन जैसा बन गया, तुम लोग पागल हो गया, नाच रहे हो रास्ते में। हमारा देश में केवल कराघर में, पगलखाना में और हरे कृष्ण ये कपड़ा लगाते हैं। आपके लिए सही ठीक है, लेकिन हमारा के लिए हमारा दोस्त मेरे को पागल समझ गया, तू पागल हो गया। मेरे पास कई बार आंसू निकलता था, भाई प्रभु क्या कर रहे हैं मेरे को, बिल्कुल चपाटी बना रहे हैं मेरे को, क्यों बना रहे हैं। लेकिन मेरा मतलब चलो ठीक है, मैं अगर वचन दे दिया मैं नहीं छोड़ूंगा, बात बहुत बढ़ना है, लेकिन हमको गर्व होना चाहिए। मेरे को 5 मिनट और दीजिए, मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत जरूरी उपदेश है मेरे पास आपके लिए। एक बार जो है सुनना है या खत्म करते हैं, एक बार कलकत्ता में ये सही कहा है प्रभुपाद जी, बताया कलकत्ता में एक कारखाना था, उसी कारखाना में जो है सारे हिंदू लोग काम करता था, 100 वर्ष का पुराना कहानी है, जब अंग्रेजी शासन करता था तो उस समय जो है कारखाना था, सारे हिंदू लोग काम करता था उसमें, सब लोग तिलक लगाता था, ऐसा धोती पहन करता। लेकिन एक बार सरकार, अंग्रेजी सरकार उसको मुस्लिम लगा दिया, आदमी मुस्लिम डायरेक्टर बन गया। तब बोला उन्हें काल से किसी की धोती मोती तिलक वगैरह कुछ है, ये मंदिर मस्जिद नहीं है, ये कारखाना है, सबको जो है पैंट शर्ट लगाना, ऐसा सिविल ड्रेस लगाना आ जाना, समझा, कोई भी तिलक लगाओगे मैं उसको भगा दूंगा, मेरा कारखाना में काम नहीं करेगा, समझा। सब लोग भवित हो गया, भाई बेरोजगारी मिलेगा तो फिर क्या होगा, परिवार क्या खाएगा। दूसरा दिन सब लोग जो है आ गया तिलक साफ करके, पूरा पैंट शर्ट लगा के उन्होंने लाइन लगा दिया और सबको चेक करने लगा किसके पास तिलक है, किसी के पास तिलक नहीं था, केवल एक व्यक्ति था, वो बिहार से, हर चल ठीक वाह। तो उसमें जो है तिलक लगा दिया, पक्का तिलक, नया नया तिलक, गोपी चंदन लेकर के पक्का तिलक लगा दिया, और नया नया बनारस का धोती भी वृंदावन से खरीद लिया, पक्का आयरन करके, पक्का धोती बिल्कुल राम दूत हनुमान, ऐसा हो गया, मेरे पास तिलक है। तो बोला तो मुस्लिम व्यक्ति बोला भाई की बताइए कैसे है, इधर आओ, आपके पास कैसे हिम्मत है, हिम्मत कैसे है, इधर आओ। सबके सामने उसको खड़े कर दिया, तुम मेरा कारखाना में आज से तिलक लगाओ और धोती लगाओ, क्योंकि आप पक्का भागता, बाकी सबको मना है, तुमको अनुमति है क्योंकि तुम पक्का भागता है। भगवान आप सभी परीक्षा लेते हैं, पता है मैं जब आर्मी में था, मेरा अनुभव, मैं आर्मी ऑफिसर था लेकिन मैं पक्का तिलक लगाता था, आर्मी ऑफिसर तिलक के साथ। भारत का नहीं मामला, आजकल लोगों को भी हरे कृष्ण बोलना शर्म लगता है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद तत्त मुर्दाबाद, शर्म नहीं लगता है। अच्छा हरे नाम में जाते हरे कृष्ण, शर्म लगता है लोगों को, बताइए, हमको गर्व के साथ बोलना चाहिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। आपको अनुमति है तिलक लगाना आज से, क्योंकि और मेरा मम्मी जो है पागल हो गया, अभी युद्ध यूक्रेन में हो गया युद्ध, मैं बोला मम्मी तुम बैठना मत उधर, मेरे को पुत्र धर्म करने दीजिए। मैं उसको बुलाया, आ जाइए कृपया,
अच्छा ये इधर मैं आपको भारत में पूरा घुमा दिया, क्रिश्चियन लेडी पक्का घोर क्रिश्चियन, तो आ गया, चलो ठीक है बेटा मैं देखता हूँ मेरा पुत्र क्या करते हैं। वो इधर आ गया, मैं उनको वृंदावन जगन्नाथपुरी मायापुर गंगा, मैं हरिद्वार में लेके गया उसको, गंगा जी में बैठा दिया। गंगा जी में बैठना, जब तक हरे कृष्ण महामंत्र नहीं सीखोगे मैं आपको निकलने नहीं दूंगा। वो मैं उनको जो है फंसा दिया गंगा जी में, उसको हरे राम हरे कृष्ण राम, आधा घंटा लगा उनको सीख लिया। मैं उनको तीन मंत्र सिखाया, हरे कृष्ण महामंत्र, जय पति तपावना गौरांग नित्यानंद दूसरा, और तीसरा हरि बोल। बस बोला आपको हिंदी में क्या बोलते हैं, नमस्कार हेलो बाय बाय कैसा, हरि बोल बोलो सब समझेंगे लोग। तो इसलिए उसको जब मिलता था किसी से हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जब जाता था हरि बोल प्रसाद चाहिए हरि बोल हरि बोल बोलता सीख लिया। तब सब लोग सोचा भाई प्रभु जी आपका मम्मी क्या प्रभुपाद जी का शिष्य है, इतना मजा से हरि बोल बोलते हैं सबके लिए। बोला नहीं नहीं मेरा शिष्य है। तो पता है, और बाद में उसको मैं ले लिया नेपाल में। नेपाल में जब आ गया, अच्छा मैं शुरू में जब था तो मम्मी बोला मेरे को शर्म लगता है, पुत्र तुम पागल हो गया, मेरे को शर्म लगता है। मैं बोला मम्मी आपको कभी भी शर्म था मुझसे मेरे को ये बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास एक्सलेंट ट्रिपल ए डिप्लोमा, मेरे पास रेड डिप्लोमा, हाईएस्ट डिप्लोमा मेरे पास, दो यूनिवर्सिटी है मिलिट्री एकेडमी, मेरे को तो समय सा गर्व था पुत्र, लेकिन अभी शर्म लगता है। तब मैं उनको बोला मम्मी आपको शर्म कभी भी नहीं था, मैं वचन देता हूँ भविष्य में आपको कभी शर्म नहीं होगा, ये मेरा वचन है। और इसी शब्द बोलने से मैं निकल गया, 25 साल तक घर में नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने भारत में आया और नेपाल में जब आया, नेपाल में जो उसको रेड कारपेट लगा दिया, ऐसा सरकार पनी पुलिस पनी सलाम दे करके उसको स्वागत माला डाल दिया उसको। और बाद में जो है विद्या भंडारी जो है प्रधान प्रेसिडेंट देश का प्रेसिडेंट आ गया, उनको भी तो उपहार दे दिया, देश का प्रेसिडेंट आ गया उनको उपहार दे दिया। और सरकार उनको बोली वीआईपी में जो है प्रवेश करते हैं और माला डाल देते हैं। तो मम्मी पूछते हैं बेटा तुम कौन है। बोला मम्मी मैं आपका पुत्र हूँ। मैं तो आपको बोला आपको शर्म नहीं होगा भविष्य में ना, मैं बोला ना। तो उन्होंने जब आ गया प्रभुपाद जी को भी आरती किया था, और बाद में इतना उनको आश्चर्य हो गया, उनको वीआईपी स्वागत किया था, और सारे लोग जो है विचार किया था ये कौन है। बोला ये मेरा मम्मी है, क्योंकि माता को जो है, और बाद में उनके पास कैंसर हो गया, पता है मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको। और अभी मम्मी का कैंसर हो गया, तब मैं सोचा उनको भक्त लोग पूरा व्यवस्था किया था उनके लिए, हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल में डाल दिया, 2 महीना फर्स्ट क्लास, एक दिन का खर्चा कितना कितना 15,000 था एक दिन का। मैं बोला मैं कहाँ से खर्चा करूँगा। बोला चिंता मत कीजिए प्रभु जी, भगवान सुरक्षा करेगा, योगाक्षेम वहाँ में हम। 2-3 महीना के बाद उनके पास तबीयत खराब हो गया। तब बोला मम्मी अब क्या करें बताओ, अब क्या करना, वो पूरा लेट गया, उसको चल नहीं पाता था। तो मैं बोला वहाँ बोला आप मेरे को वृंदावन में ले चलो, कहाँ कहाँ आपका कृष्ण है मेरे को वृंदावन ले चलिए। बोला कैसे ले चलूँगा आपको, आपको चलना नहीं आते हैं नेपाल, कहाँ कहाँ नेपाल कहाँ वृंदावन। अब चिंता मत कीजिए मैं व्यवस्था करता हूँ। मैं भक्तों से पूछा मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए, मैं बोला ना हेलीकॉप्टर से कम नहीं होना चाहिए। जब डाकू जो है बदमाश लोग टेररिस्ट भाग जाते हैं BMW में जो है, उसको पकड़ने के लिए कौन सा गाड़ी चाहिए, हेलीकॉप्टर से कम नहीं होना चाहिए, हमको हेलीकॉप्टर चाहिए। तो भक्त लोग हेलीकॉप्टर दे दिया मेरे को, और मैं कमांडो ऑफिसर हैं। मम्मी मैं बोला आपको राइड हेलीकॉप्टर में राइड कर दूंगा वृंदावन में, मैं उनको हेलीकॉप्टर में जो है वृंदावन पहुँचा दिया। और जब पहुँचे ठीक 1 वर्ष पहले, मैं हेलीकॉप्टर में उसको ले लिया इधर, और ठीक जब हम लोग वृंदावन में पहुँच गया, ये उनका जो है जन्मदिन था, ठीक उनके जन्मदिन था। तब मैं बोला मम्मी देखिए आप आश्चर्य की बात है, आपका जन्मदिन में भगवान कृष्ण स्वयं धाम उपहार दे दिया आपके लिए। और उन्होंने क्या बोला मेरे को, बोले बेटा क्रिश्चियन लेडी, क्रिश्चियन लेडी पक्का घोर क्रिश्चियन, कोई साधना मंगल आरती कुछ नहीं करने वाला था, लेकिन बोला मेरे को भगवान कृष्ण आ गया, बोला मैं 2 दिन के बाद उनके पास जाऊंगा, भगवान कृष्ण मेरे को बोला। बोला अच्छा हमारे पास समय तो है ही नहीं मैम, चलो ठीक है मैं आपको यमुना दर्शन करवा दिया, उसको आरती करवा दिया, मेरा YouTube में वीडियो देख सकते हैं, अभी समय नहीं है। तो उसको जो है पूरा मंदिर दर्शन करवा लिया, और बाद में मेरा सेक्रेटरी ब्रह्मचारी हैं गोरशरण, उनके साथ बैठ करके हमारा घोषपिस में 18 श्लोक भगवद गीता परा, ओम धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवितायुत्सव मम कखपंद भक्षैवा किम कुर्वत संजय सर्वधर्म परित्याजा ममेकं शरणं व्रज अहम तं सार्वभवभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचाः। हाँ
यथा योगेश्वर कृष्ण यथा अर्जुन धनुर्धर पूरा पूरा करके खत्म। जब अंतिम श्लोक किया था मामी शरीर छोड़ दिए चले गए कृष्ण भगवान की। इसलिए हम लोग अगर करना है तो हम लोग चैंड हरे कृष्ण पीछे पीछे मत दिखना। डोंट वरी प्रॉफिट ऑफ द बॉस सुरेंदर लाइफ टू सुप्रीम बॉस एंड फार एंड वाइड ट्राई स्प्रेड हिज फेम बाय चैंटिंग स्वीट एंड होली नेम। और अंत में मैं आपको बता दिया ना, अभी हॉलीवुड में जो है अभी नेटफ्लिक्स सीरियल बना रहे हैं। बोला एक प्रोफेसर आ गया, बोला फिल्म स्टार आपके बारे में मूवी बनाना पड़ेगा, आवाज़ दीजिए ना। ठीक है, मैं सोचा दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ। सुन गोपाल बोला ठीक है दिखाऊँ, सबको दिखाऊँ मैं, तो इसलिए मैं आपको दिखाऊँगा। अभी नेटफ्लिक्स में जो है क्लिप बना रहे हैं, आवाज़ है ना। हरि बोल। Принимаю присягу и торжественно клянусь до конца оставаться преданным своему народу, социалистической родине и делу коммунистического строительства. Lieutenant, your mission is to infiltrate the cult. She's actually amassing followers, these people who believe that she'll lead them to salvation. And yes, she's dangerous. Why are you doing this to me? To show you just how much you don't know. Open your eyes. My mission is too dangerous. I have to leave them. The visions you've had your entire life, Evan, aren't hallucinations. They're memories. Well, what if it was the same person, different lives? You're talking about reincarnation. Yeah. It's time to choose whose side you're on. Behold, the world will never be the same again. Ideas can be powerful. Are you ready for revolution? Evolution. So many small hands will do big work. And I wish you all the best to take it very seriously. And Prabhupada said, you have to be very serious. How to be very serious? Prabhupada said, to be serious means to be serious. Srila Prabhupada ki! Hare Krishna.